हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर एसएमसी वीडियो शेयर इस पहले हमारे प्यार से लवली कमेंट्स को लवली वाला शॉट आउट। और गाइस आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मजे करना। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा बेहतरीन, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट वेज टू अर्न मोर मनी इन क्राफ्टर एसएमसी। तो गाइज ये ऑलमोस्ट होते हैं साइड मिशन, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान देता नहीं है और वो भूल जाते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो भाई मैं पहले ही बता दूं, ये मेरे को बहुत लोगों ने बोला आपके पास फ्रोजन साइट ही कैसा है वगैरह। तो गाइज अब मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप लाइव स्ट्रीम पे नहीं आओगे तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? ये जो लाइव स्ट्रीम पे मैंने एक कुछ चैलेंज कंप्लीट किया था, जिसने मेरा एक फ़ैन था उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया, ठीक है? और मैं उसे ना भी नहीं बोल पा रहा था बिकॉज वो मान ही नहीं रहा था, तो मैंने ले लिया, ठीक है? तो गाइज अब मुझे पता है इसमें से कुछ लोगों को ऑलमोस्ट कुछ ट्रिक्स पता होगी कि कैसे आप लोग पैसे कमा सकते हो वगैरह। तो आपको पता हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो चीज़ भी हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है? और बाय द वे ये हमारा मिनियन अच्छे से काम कर रहा है, ये मिनियन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी 3 ट्रिक्स पता है, या तो 4 ट्रिक कह सकते हैं, जो भी पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को कोई अलग से एक सिंपल सी ट्रिक पता है जिससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताना, उसके अंदर आपको मैं क्रेडिट ज़रूर देगा, ठीक है? तो गाइस देखो यार सारे मिलियन हमारे ऑलमोस्ट फुल हो रहे हैं। और ये चाचा तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, ये इतना स्पीड में काम करता है ना, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है? तो गाइस सबसे पहला जो ट्रिक आता है हमारा ये रहा, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हमारे ये जो कैक्टस है, ठीक है, इनको अब मैंने कैक्टस फार्म इसलिए ही बनाया था बिकॉज इनको था बेचना, तो मैं इनको फटाफट से कलेक्ट करता हूँ। यही सबसे पहले हमारी मनी ट्रिक होने वाली है, बिकॉज एक कैक्टस जाता है 1 रुपये में, तो ये पता नहीं कितने में जाने वाले हैं। सो गाइस सारे कैक्टस कलेक्ट कर चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं हमारे फार्मर वाले भैया के पास, जहाँ पे हम लोग सेल करने वाले हैं हमारे जितना का जितना सारा कैक्टस हो रहा है उतना, ठीक है? तो ये रहा भाई, तो ये भाई हमारे को ऑलमोस्ट दे रहा है 1584 रुपीज़। लेट्स सी, जी हाँ गाइज 1584 रुपीज़। तो गाइज इट्स नॉट अ बैड डील, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? ऑटोमेटिक आपको कुछ काम करना ही नहीं है, जस्ट वहाँ पे बैठना है और काम करना है, ठीक है? बैठना है और बस। और गाइज सेकंड जो है वो है अपना क्वेस्ट। सबसे आसान क्वेस्ट आती है ये क्रिस्टल कैनवास की, जिसके अंदर आपको 25 जो क्रिस्टल वाले बंदे होते हैं डिफेंडर, उनको मारना पड़ता है और आपको 2500 रुपये मिल जाते हैं। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट वे है जहाँ से आप लोग अच्छे से पैसे कमा सकते हो, जो कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पैसे कमाने। तो इनको फटाफट से मारते हैं और अगर इसमें से जो चीज़ मिलती है वो भी एक बहुत अच्छा साधन है, मतलब आइटम बोल सकते हो पैसे कमाने के लिए। तो मैं इनको फटाफट से मारता हूँ और यहाँ पे हमारा बैटल कॉम्बैक का इंक्रीज हो चुका है, तो फटाफट मारते हैं और फिर दोबारा से मिलता है। तो गाइस ऑलमोस्ट 22 या तो 23 हो चुका है, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो हमें मिल चुका है, जो कि है रेड स्टोन चेस्ट प्लेट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जिनको बेच के हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से 25 कर लेता हूँ, मेरे को 25 करना है, फिर डायरेक्टली मेरे को जाना है। सो गाइस 25 यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और हम लोग फटाफट जाने वाले हब पे, जहाँ पे हम लोग रिवॉर्ड कलेक्ट करने वाले हैं अपनी इस क्वेस्ट का, ठीक है? तो क्वेस्ट वाले चाचा आपको आपके विलेज सेंटर पर मिल जाता है, जहाँ पे ये रहा, देख लो यहाँ पे आना है, बस आपको ये चाचा के ऊपर क्लिक करना है एंड दैट्स इट, क्लेम रिवॉर्ड और 2500 आपके पॉकेट में, ठीक है? और देखो इनको मारते तो भी पैसा मिलता है और इनका क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो भी पैसा मिलता है। सो गाइस ये जो चेस्ट प्लेट है अभी मैं लगाने वाला हूँ इसको ऑक्शन हाउस के अंदर, ठीक है? देखो भाई ऑलमोस्ट 10,000 की मिलती है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको क्रिस्टल कैनवास में जाना है और ये है थर्ड वे जहाँ से आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 तरीके का ऑक्शन होता है, बाय इट नाउ ऑक्शन एंड बिट ऑनली ऑक्शन। बाय नाउ ऑक्शन में होगा ये कि डायरेक्टली कोई भी बंदा ये इसको देखेगा और डायरेक्ट परचेस कर लेता है, जिससे क्या होगा ऑन टाइम अपना काम हो जाता है। बट जो मतलब जो कहते हैं ना, आपको अगर लॉन्ग रन के लिए कोई भी चीज़ें रखनी है, सो भाई बिट ऑप्शन में ज़रूर रखना। बिट ऑप्शन के अंदर 100-200 लोग अच्छे से बिट मारते हैं, जिसका हाईएस्ट होता है वो उस चीज़ को ले जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को 350 रुपये पे आउट करने पड़े 2 दिन को रखने के लिए, तो ये यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हमारा पैसे इंक्रीज होते रहेंगे। तो गाइस 3 वेज मैंने आपको ज़रूर बता दिए, अब चौथा वे है एक ये फाइनल वे जहाँ पे आप लोग पैसे कमा सकते हो। ये तो आई थिंक सो आप लोगों को पता ही होगा कि एन्चांटेड आइटम्स ज़्यादा महंगी बिकती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ लेनी है जो कि है ये 13 डायमंड्स, जिसको मैं बेचने वाला हूँ मार्केट के अंदर। अब देखते हैं इसकी कीमत कितनी मिलती है भाई हमें, तो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं माइनर वाले अंकल के पास, जहाँ पे हम लोग सेल आउट करने वाले हैं हमारे सारे के सारे 13 एन्चांटेड, ठीक है? तो ये एक एन्चांटेड के लिए मेरे को दे रहा है 1280। सो लेट्स सी कितने देता है ये, आई थिंक सो 16 भाई 13 एन्चेंटेड डायमंड के इसने दे दिए 16,640 रुपए, जो कि वैलेंट गुड है भाई। ठीक है, तो ये गाइस टॉप 4 वेज बता दिए जहाँ से आप लोग पैसे कमा सकते हो। अब गाइस एक बंदे की प्रॉब्लम थी कि हाउ टू गेट एन्चेंटेड पैक डाइस फास्टर देन द फास्टर ट्रिक। तो भाई देख, तेरे लिए एक बेस्ट ट्रिक है कि तू ज़ॉम्बी एफिशिएंसी वाली पिकेक्स यूज़ कर, जिसके अंदर सेल टच वगैरह सब कुछ लगाओ, फटाफट से ऐसे माइनिंग करता जा, और जितने भी तेरे पास आइस मिनियन है उनको बनाने की ट्राई कर। ठीक है, आइस मिनियन को बना और उनको तू जितना मैक्स आउट ले जा सकते हैं, जैसे सुपर कॉम्पैक्टर लगा दे, एन्चांटेड लावा बकेट लगा दे, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दे, तेरे मिनियन की कैपेसिटी 12 कर दे भाई, 12 लेवल तक पहुँचा दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो तेरे को एन्चांटेड पैक डाइस मिलने की जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रहा, देख ले भाई, एन्चांटेड पैक डाइस का, एन्चांटेड लावा बकेट का पूरा रेसिपी जहाँ पे जो मैंने तेरे को दिखा दिया। ठीक है, साथ ही साथ तेरे को चाहिए एक मीडियम साइज बैकपैक ले ले, या तो लार्ज साइज बैकपैक ले ले, और तेरे मिनियन को समवेयर अराउंड लेवल 12 कर दे, लेवल 12 लेवल 13 आइस वाला, और साथ ही साथ सुपर कॉम्पैक्टर लगा दे भाई। बहुत सही बोल रहा हूँ, क्या तेरे को प्रोडक्शन मिलेगी ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई। पर हाँ, तेरे को थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़ा स्पीड तो कह सकते हैं, ऑफलाइन तो काम करते हैं नो डाउट, बट यार थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं वो लोग। तो बस गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ ज़रूर आ गया होगा, बट आपको अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो आई होप सो गाइस, वीडियो के अंदर मज़ा का मज़ा, तो प्लीज़ ड्रॉप लाइक से शेयर, और जितना हो सके इस वीडियो का लाइक हमें 40 का तो ज़रूर पूरा करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक ले गाइस, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।